हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं पाइथन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि पिछले सेमेस्टर में आया हुआ है। तो यहाँ देखिए, इनकैप्सुलेशन क्या होता है और यहाँ पर इनहेरिटेंस क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो है पिछले सेमेस्टर में आया हुआ है और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि आपको यहाँ पे केवल एक पार्ट करना है। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे एक पार्ट करना है। तो अगर आप लेक्चर देखे होंगे एक से लेकर के 5 मिनट तक, अगर आप मेरे लेक्चर देखे होंगे तो यहाँ देखिए दिया गया है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी आर्गुमेंट पासिंग मेथड क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर इनकैप्सुलेशन क्या होता है और यहाँ पर इनहेरिटेंस क्या होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आपको दोनों पार्ट में से केवल आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना होगा। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है ये वाला, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन यहाँ देखिए, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ बता दिया है लेक्चर में। तो जो लोग नहीं देखे हो वो लोग जा करके देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन यहाँ दिया गया है कि आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि यहाँ सेव ऑफ रेट्रोस्टेनिक्स क्या होता है, सेव ऑफ रेट्रोस्टेनिक थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो जो लोग नहीं देखे हो वो लोग जा करके देख लीजिए। पाइथन का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या होता है और यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन जो है पिछले सेमेस्टर में आया हुआ है। तो एक से लेकर के 5 यूनिट तक आप मेरा लेक्चर देखिए, एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, ये आपके सामने दिया गया है प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो आपका इनकैप्सुलेशन, ये आपको यहाँ डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके नाम से देखिए यहाँ लिखा गया है कैप्सुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से एक मेडिसिन का कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल में क्या होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो यहाँ बाइंडिंग होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है, एक यहाँ पे इस प्रकार से होता है, इसको बोला जाता है क्लास। ठीक, अब ये क्लास होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, मेथड होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसका यहाँ डायग्राम देख लीजिए तब आपको आएगा समझ में। देखिए, इनकैप्सुलेशन में ये आपको क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन, ये पूरा इसको बोला जाता है क्लास। ठीक, इसको बोला जाता है क्लास। अब इस क्लास में क्या होता है, इसमें मेथड होते हैं और यहाँ क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो इसे ही बोला जाता है यहाँ पर इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, तो जो यहाँ दिया गया इनकैप्सुलेशन, इसमें डेटा और फंक्शन, इसमें डेटा और यहाँ फंक्शन क्या होते हैं, एक सिंगल यूनिट में क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं या फिर रैप होते हैं। ठीक, यहाँ पे एक सिंगल यूनिट में यहाँ डेटा होता है, यहाँ फंक्शन होता है, ये क्या होता है, एक सिंगल यूनिट में बाइंडिंग होता है, तो इसे बोला जाता है क्लास। ठीक, ये आपको क्या हो गया, क्लास, सिंगल मतलब यहाँ पर सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में डेटा और यहाँ फंक्शन क्या होता है, बाइंडिंग होता है या फिर रैप होता है। अब यहाँ देखिए, इसीलिए इसको बोला जाता है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट, जो आपका होता है इनकैप्सुलेशन, इसको बोला जाता है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब आगे देखिए, इसमें जो डेटा होता है, यहाँ देखिए, इसमें जो डेटा होता है वो डेटा यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड से यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका आप यहाँ देखेंगे डायग्राम, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका दिया गया क्लास है, इस क्लास में जो यहाँ पर रैप मेथड है, इसी की सहायता से आप यहाँ डेटा को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे एक्सटर्नल मेथड से आप यहाँ पे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जो यहाँ पे क्लास में मेथड होगा उसी की सहायता से यहाँ पे डेटा एक्सेस हो सकता है। इसका यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये आपका एग्जांपल है, ये आपको क्या है, पूरा इसे बोला जाता है क्लास। अब इसमें जो दिया गया मेथड 1, 2, 3, 4, ठीक, तो इन्हीं की सहायता से, यानी कि अगर आपको यहाँ पर डेटा को एक्सेस करना हुआ तो यानी कि मेथड 1 का 2 का 3 का 4 का इनका आपको यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे मेथड 5 की सहायता से आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो यानी कि क्लास में जो यहाँ मेथड को यहाँ पे रैप होगा उसी की सहायता से आप यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्सेस डेटा आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक, सो दिस इज दी इनकैप्सुलेशन। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मोस्ट पावरफुल फीचर होता है। यह जो अलाउ करता है कि
कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में क्या होती है, इनहेरिट होती है। अब आगे देखिए अगला पॉइंट, ए यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है इनहेरिटेंस, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें होते हैं बेस क्लास, जिसे बोला जाता है पेरेंट क्लास, यानी कि इसमें होता है बेस क्लास होता है, या फिर सुपर क्लास होता है, या फिर पेरेंट क्लास होता है। ये तीनों क्लास को, ये जो तीनों क्लास होते हैं, ये तीनों क्लास एक ही होते हैं जो कि सबसे टॉप पे होते हैं। अब इसके अंदर आते हैं क्या क्लास आते हैं, जिसे बोला जाता है ड्राइव क्लास, या फिर यहाँ पे सब क्लास आते हैं, या फिर चाइल्ड क्लास होते हैं, यानी कि जो आपका सबसे ऊपर होगा इसे बोला जाएगा सुपर क्लास, या फिर पेरेंट क्लास, या फिर बेस क्लास। और इसके अंदर आता है, यहाँ पे क्लास आता है जिसे बोला जाता है ड्राइव क्लास। तो देखिए यहाँ होता है बेस क्लास, इस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज, यहाँ जो सब क्लास होती है क्लास होती है, तो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज इसमें क्या होती है, इनहेरिट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, फादर होते हैं और यहाँ पे चाइल्ड क्लास होता है, तो जहाँ होता है फादर क्लास इसे बोला जाता है पेरेंट क्लास, या फिर सुपर क्लास, या फिर बेस क्लास। तो यहाँ पे फादर की जो आप होती है क्लास होती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में क्या होती है, इनहेरिट होती है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस, तो जहाँ होता है इनहेरिटेंस, ये होते हैं चार प्रकार के। पहला आपका होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा आपका होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा आपका होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और चौथा आपका होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जो आपका होता है लास्ट वाला हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये आपका होता है इन सभी इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि मिक्सअप होता है, यानी कि हाइब्रिड होता है। अब यहाँ देखिए सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, अब यहाँ देखिए इनहेरिटेंस का पहला टाइप, तो पहला टाइप आपका है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसे यहाँ पे सिंपल इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास, या फिर एक यहाँ बेस क्लास, या फिर एक यहाँ पे पेरेंट क्लास होता है, और इसमें एक यहाँ पे ड्राइव क्लास होता है। तो यहाँ देखिए इम्प्लॉय क्या है, एक सुपर क्लास है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या है, एक सब क्लास है। तो इम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज किसमें होगी, एग्जीक्यूटिव होगी। तो ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा इसका टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट 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 लेवल होता है। यहाँ देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है, और इसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, पेरेंट क्लास होता है, या फिर बेस क्लास होता है। यहाँ देखिए इसमें स्टूडेंट है क्या है, एक सुपर क्लास है। फिर यहाँ देखिए इसका सुपर क्लास क्या होगा, यानी कि मार्ग का यहाँ सुपर क्लास कौन होगा, स्टूडेंट होगा। अब यहाँ देखिए मार्ग के अंदर यहाँ पे आ गया स्पोर्ट। अब यहाँ जो मार्क होगा ये क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगा, किसके लिए, स्पोर्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो यहाँ प्रॉपर्टीज होगी यहाँ पे हेरिट होगी, इनहेरिट होगी, किसमें, मार्क में, और यहाँ मार्क की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होगी किसमें, स्पोर्ट में। तो इसमें क्या होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो है पेरेंट क्लास क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, और इसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेवल होता है। तो ये आपका हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इनहेरिटेंस का अगला टाइप वो आपका है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कई प्रकार के इसमें होते हैं सब क्लास। अब इन सब क्लास के केवल यहाँ एक ही होता है पेरेंट क्लास, यानी कि जितने सारे आप होते हैं सब क्लास, इसमें सब क्लास एक नहीं होते हैं, इसमें सब क्लास एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन सभी सब क्लास का जो होता है पेरेंट या फिर सुपर क्लास वो यहाँ पे एक ही होता है, तो उसे ही बोला जाता है क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब यहाँ देखिए एक सेकंड मैं आपको इसे दिखा दे रहा हूँ, ए अब देखिए यहाँ स्टूडेंट ये क्या है, एक सुपर क्लास है, एक ही है जो कि यहाँ पे बेस क्लास है, और यहाँ पे साइंस कॉमर्स आर्ट ये सभी यहाँ क्या है, सब क्लास है। तो इन सभी का जो यहाँ पेरेंट होगा वो कौन होगा, स्टूडेंट होगा। यहाँ देखिए कॉमर्स आर्ट और यहाँ पे साइंस हो गया, इन सभी का जो यहाँ पे पेरेंट होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट होगा, और इसकी प्रॉपर्टीज इन सभी में होगी, इसकी प्रॉपर्टीज इसमें होगी, इसमें होगी, और यहाँ पे आर्ट में भी होगी। तो ये आपका हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इनहेरिटेंस का अगला टाइप वो आपका है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके नाम देखिए हाइब्रिड, यानी कि एक से ज़्यादा जो आप होते हैं इनहेरिटेंस उसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या, उसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी कि टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस, एक से ज़्यादा यहाँ जो टाइप होती है इनहेरिटेंस का उसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ए यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है ग्रैंडफादर, और यहाँ पे आ गया फादर इसके अंदर। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर क्या है, ये आपका है सुपर क्लास, और जहाँ फादर दिया गया है ये आपका है ड्राइव क्लास। तो ये आपका हो गया क्या, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अब यहाँ देखिए ये चीज़ फादर हो गया, और फादर के अंदर ये आपका हो गया सन हो गया, और यहाँ पे डॉटर हो गया। तो जब यहाँ पे कई सारे होते हैं सब क्लास, और यहाँ पे एक ही होता है पेरेंट, तो उसे बोला जाता है क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, किसका, सिंगल इनहेरिटेंस का, और यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, तो उसे बोला जाता है क्या,
हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे जो होता है ग्रैंडफादर, इसकी प्रॉपर्टीज इसमें होगी इनहेरिटेंस, मतलब यहाँ फादर में, और यहाँ पे फादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होगी सन में, और यहाँ पे डॉटर में। तो ये आपका हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस।